नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं नवीन त्यागी आपका नवीन एग्रो फार्म चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ अभय पटेल जी हैं जो दीपक गोट फार्म नाम से अपना बकरी पालन चलाते हैं। ये गांव असबालपुर पिंडरा तहसील से करीबन 2 किलोमीटर दूर वाराणसी जनपद में स्थित है। आइए अभय पटेल जी से जो है मुलाकात किया जाए, जाने जो है ये कैसे अपना गोट फार्म चलाते हैं। अभय पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवीन एग्रो फार्म पे। जरा अपने दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभय पटेल, ग्राम असवालपुर पिंडरा वाराणसी का निवासी हूँ। मैं बकरी पालक आज 2-3 साल से कर रहा हूँ और सुरक्षित ढंग से कर रहा हूँ। आप 2-3 साल से बकरी पालन कर रहे हैं, तो कितने बकरियों से आपने शुरुआत किया था? मैं सर 5 बकरी से चालू किया था। 5 बकरी से शुरुआत किए थे, और इस समय कितनी बकरियां हैं आपके इस पास? इस समय हम 30 बकरी का लमसम है सर। 30 बकरी है, और किस ब्रीड से शुरू किए, कौन सी ब्रीड है आपके पास अभी? हमारे पास तो सिरोही है, जमुनापारी है, करौली है, और बरबरी है, और सोजत था हो गया, और मतलब हर प्रकार के ब्रीड मैं रखा था। मतलब लगभग सभी ब्रीड आप रखे हैं, तो उसका क्या कारण कि एक ब्रीड पे काम न करके आप सभी ब्रीड रखे हैं? उसके जानकारी के लिए कौन सा ब्रीड यहाँ अच्छा है, उसके लिए कौन सी ब्रीड चुना जाए कि हमको जो है बढ़िया से यहाँ रख रखाव, पानी वातावरण हर चीज़ अच्छा लगे। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि बरबरी और सिरोही अच्छा, सबसे बेस्ट यहाँ यूपी और खासकर बनारस बनारस के लिए, बरबरी और सिरोही। सिरोही तो जैसे 5 बकरी से आपने शुरू किया और आज 30 बकरी है, तो क्या इसमें सेल भी किए हैं कि खाली अभी तक बढ़ के इतने ही पहुंचा? नहीं, सेल भी किए हैं सर। सेल करते रहते हैं? हमारा काम है सेल करना, खरीदना, बेचना और उनको पालन करना। अच्छा, मतलब फार्मिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं आप? हाँ सर, ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग भी करते हैं? हाँ। मतलब अगर आप कहीं से बकरी मिल रहा है आपको तो लाते हैं? हाँ। और आपको हाथ के हाथ तुरंत बेच भी देते हैं? हाँ, बेच भी देते हैं 2-4 दिन में। हाँ। सही दाम मिले तो। हाँ सर। और फार्मिंग भी करते हैं, मतलब पालते भी हैं? हाँ सर। अपने यहाँ रखते भी हैं? हाँ। अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा, मैंने देखा कि जो है आपके पीछे जो है कमरा बना है, इसमें मुर्गी भी पालन की है, तो उसका क्या मतलब है, उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ऐसा है कि जो इतना कीटाणु रहती हैं बकरियों का जो है, हाँ, उसमें बिन बिन के खा जाती हैं, उसमें बीमारी नहीं लगती बकरियों को। अच्छा, बकरियों को बीमारी से बचाता है? हाँ, बचाता है। अच्छा, उसका उसके अंडे भी इनको खिलाते हैं आप? हाँ, खिलाते हैं। तो उसका क्या मतलब, अंडे खिलाने का क्या मतलब हुआ? जैसे ठंडक में ज़्यादा ठंडक है, हाँ, अगर बकरी को अंडा पिलाया जाए तो गर्म उसमें रहता है, उसमें बीमारियाँ बहुत कम आती है चांस। अच्छा, तो मेन लाभ जो है वो बकरी के मकसद से ही रखे हैं? हाँ, रखे हैं। तो 5 बकरियों से आप स्टार्ट किए थे, तो ये कमरा बनाने और बकरियों खरीदने में लगभग कितने पैसे आपके खर्च हो गए थे? हमारे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया तक खर्च। अच्छा, 1.5 से 2 लाख रुपया आप खर्चा किए थे? हाँ, और अभी आपके पास 30 बकरियां हैं? हाँ। और कितना कमा लिया आप 3 साल में लगभग, मोटा मोटी कमाई? 2.5-3 लाख रुपया कमाए। अच्छा, मतलब आपका पैसा भी निकल गया और एक्स्ट्रा भी कमा लिए, और साथ के साथ आपकी 30 पूंजी भी खड़ी है 30 बकरियों की। मतलब ये जो है फायदेमंद व्यापार है। हाँ। तो आप जो है बकरी पालन ही क्यों किए, और कई सारा व्यापार है जैसे मछली पालन हुआ, सुकर पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, तो बकरी पालन ही क्यों किए? सर ऐसा है कि भैंस अगर पालन किए, 50,000 का भैंस लाए, हाँ, उसमें हम दूध कितना बेचेंगे, 50 रुपया लीटर। हाँ। अगर हम एक बकरा जो साल भरे में तैयार करते हैं तो 60 से 70 किलो बकरा तैयार होगा, 500 रुपया किलो से हिसाब जोड़िए कितना हुआ पैसा हमारा। हाँ, 30-35 हज़ार। हाँ, 30-35 हज़ार हुआ। हमारा भैंस कितना कोर खाएगी, 2-4 ओड़ा। बहुत सा सिंपल से जो अगर एक ओड़ा रहे तो 10 दिन बकरी खा सकती है आराम से। अच्छा, मतलब ये कम बजट में होता? हाँ, है। कम बजट में बढ़िया चीज़ है जो फायदेमंद। अच्छा, ये है? हाँ, फायदेमंद है सर। तो आपको क्या लगता है, अन्य अन्य कृषि से ये ज़्यादा फायदेमंद है कि बाकी सब ज़्यादा फायदेमंद है? नहीं, ये अन्य फायदा है जो मतलब बकरियाँ ज़्यादा फायदेमंद है, वो गाय भैंस और मछली वगैरह सबसे सबसे बढ़िया है। इसका गोबर भी वेस्ट नहीं होता। अच्छा। गोबर भी बहुत बढ़िया करता है, लहसुन प्याज जो कुछ भी डालिए आप, बड़े बड़े हर चीज़ उगता है जो। अच्छा। और इससे जो दूध भी बहुत, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, 200 रुपया लीटर दूध तक बिक जाता है सर। अच्छा, बकरी का भैंस का कितना बिकेगा, बहुत क्लियर 70 नहीं 100 जाएगा सर। इसका लेकिन 200 रुपया 250 रुपया का जरूरत पड़े तो 1000 रुपया भी लीटर बिक जाता है। अच्छा, जब बीमारियाँ आती है तो लोग मुँह मांगा दाम दे देते हैं। हाँ हाँ। तो आप दूध भी बेच देते हैं कभी कभी? नहीं, दूध तो बेचते नहीं, मतलब जैसे दे देते हैं, मतलब जरूरत पड़ने पे। हाँ हाँ हाँ।
अब 200 रुपए का बिक रहा है, एक लीटर बिक गया तो 200 रुपए मिला ना। हाँ सर, तो फायदेमंद का बिजनेस हुआ। वैसे तो फार्म आपका देख के लग रहा है कि आप स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, तो स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं आपकी चराई करवाते नहीं, हैं? नहीं, स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं। स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, तो क्या खिलाते हैं इसको आप? इनमें चना का कभी मिल जाता है तो चना के सीजन में चना दे देते हैं, नहीं तो ये गेहूँ का चोकर और चना का देते हैं बराबर। तो वही मतलब ये गेहूँ का भूसा और यही सब देते हैं। हाँ, चना का थोड़ा, इससे होता है कि बीमारी बहुत कम आती है। चराई के से बीमारी बहुत आती है, इसमें बीमारी नहीं आती। अच्छा, आप हरा चारा नहीं खिलाते हैं? नहीं, खिलाते हैं सीजन वाइज। सीजन अब इसमें बरसिंग है तो बरसिंग काट के डाल देते हैं, तो बजरा आ जाएगा तो बजरे के समय डालते हैं। अच्छा, मतलब हरा चारा भी खिलाते हैं? हाँ, हरा चारा भी डालते हैं। लेकिन जो आप गेहूँ का भूसा कह रहे हैं, ये तो महंगा पड़ता है अन्य चीज़ों से। नहीं, हम लोग किसान हैं भाई, किसान के पास पैदा होता है, अपना खिलाते हैं जो ना हम लोग। अच्छा, आपके हिसाब से यही सस्ता हुआ क्योंकि सस्ता आपके हुआ पास बल्क में रखा हुआ है। हाँ, खेती बाड़ी है, हर चीज़ है, सामान घर का है, वही जो ना सब खिलाते हैं जो ना। अबे जी, आपने जो है ये स्टार्ट किया जब बकरी पालन, तो क्या आपने ट्रेनिंग लिया था? नहीं सर, ट्रेनिंग तो हम नहीं लिए थे, लेकिन जानवर रखे थे जो ना, भैंस गोरू। अच्छा, मतलब बकरी का ट्रेनिंग नहीं लिया था? नहीं, बकरी का ट्रेनिंग नहीं लिए थे, गोरू भैंस रखे थे, तो उसके बाद दवा देते थे, लेते थे। हाँ, कि बुखार है, कौन सा दवा दिए थे, डॉक्टर जो आते थे। हाँ, तो उसके बारे में हम लिख लेते थे, ये डॉक्टर साहब ने बुखार हुआ तो भैंस को ये दे दिए दवा। अच्छा, और कौन सा जो कर दिए जो अच्छी हो गई भैंस, इसको थनाइल कौन सा हो गया, तो उसमें हम दे देते हैं जो मतलब आपको पहले से नॉलेज थी। हाँ, तो उसी लिए आप सोचे कि बकरी पालन भी शुरू करते। बकरी पालन चालू। तो जैसे बिना ट्रेनिंग का आप स्टार्ट किए, तो आपको कोई नुकसान हुआ कि नहीं? सर, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपको पहले से भैंस वैंस के बारे में और गाय वाय के बारे में जानकारी थी ना? हाँ सर, उसका वो अनुभव आपको काम आया? काम आया। ये कितने एरिया में आपका बाड़ा है? ये है 15x28 जोन है। 15x28 का कवर्ड एरिया है। और बाड़ा टहलने के लिए जो है वही 30 लमसम वो भी होगा, वो भी जो है 15x30 का। हाँ, होगा। अच्छा, इसी में आपकी जो है 30 बकरियाँ रह जा रही हैं। अच्छा, अबे जी, आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, तो क्या आपको दवाइयों की पूरी जानकारी है? आप जो कह रहे हैं, हाँ, तो कुछ बताएंगे हमें कैसी जानकारी है, कुछ दवाई बताएंगे हमें? हाँ, कैसे कैसे? हाँ, बताइए कुछ। जैसे पेट बकरी का खूब गया जी, बकरी खा नहीं रही है, मुंड मार के बैठी है, पेट उसको ठोकर जा जाए तो धब धब आवाज आती है, तो उसमें जान जाएंगे हमको आ गया इसमें लीवर इसका डैमेज हो गया है। अच्छा, इसमें हम प्रोटोन देते हैं। हाँ, नहीं ऐसी लाख जो 300 दे देते हैं। अच्छा, तो तुरंत तो गैस जो आराम हो जाता है, उससे बकरी जो ताव से खाती है। आपके पास है वो दवाई? हाँ है, प्रोटोन दिखाइए। अच्छा, ये लीवर में गड़बड़ी है या गैस वैस है, तो उसके लिए? हाँ, बकरी बराबर नहीं खा रही है सर। हाँ, तो ये दवा अगर बराबर कंटिन्यू 5 दिन 7 दिन चला दीजिए, बकरी आराम से खाना चालू कर देगी। अच्छा, और दवाई कौन सी है आपके पास? अल्बोमार। अच्छा, इसका क्या इस्तेमाल है? एक कीड़ी का दवा है अल्बोमार। हाँ, जो डिवॉर्मिंग होती है उसमें जो जैसे लिनजान हुआ, हर महीने तीसरे महीने में हर अलग दवा देते हैं। हर तीसरे महीने में डीवार्मिंग करते हैं, और दवाई बदलते हैं। इसी दवाई कंटिन्यू नहीं चलाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि एक दवा खिलाने से, जैसे हम लोग दाल भात खाते हैं एक दिन है, तो अच्छा नहीं लगता। कीड़ी बराबर एक ही बराबर रहती है, जैसे अलग दवा दीजिए कीड़ी मर जाएंगी जो। अच्छा, वो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम वो बूस्ट कर अपना वो बना लेती है वो एक दवा से, तो इसलिए दूसरा दवा बदल के दिया जाता है ताकि उस पर असर करे, वो मर जाए। हाँ, जैसे बरसात का समय होता है तो आप लीन जान दीजिए। अच्छा, कभी भी। हाँ, गर्मियों में समय अल्बो मार दीजिए। हाँ, फर्स्ट क्लास जो चल रहा है, जो बकरियों में एक भी बीमारी नहीं आएगी। डीवॉर्मिंग मतलब तीन महीने में कर देना चाहिए। हाँ, बकरी को कोई बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, ठीक है, सबसे। और कोई दवाई है आपके पास? हाँ, जैसे बकरी दूध नहीं दे रही है। अच्छा, और थन कम चुचका हुआ है, तो उसके लिए हमको जो एस्टोवेट एक बीमराल जो उसको पिला दिया जाए। अच्छा, तो दूध बराबर बकरियों में आ जाएगा। ऑस्टोवेट और बिमराल मिला के इसमें। हाँ, एक लीटर में जो 100 ग्राम जो मिला दीजिए और उसको पिला दीजिए बकरी को। अच्छा, मतलब एक लीटर में 100 ग्राम मिला के बिमराल तैयार कर लेंगे। हाँ, और फिर एक लीटर पूरा पिला देंगे जैसे एक बकरियों कम से कम पाव भर कम हम पिला दीजिए आप।
अच्छा, एक बकरी को 250 ग्राम पावर जो है पिला देंगे, उससे वो जो है दूध सही देने लगेगी। हाँ, लेकिन 10 ml जैसे बकरियाँ जैसे वजन वाली हैं तो 20 ml, और नहीं तो छोटी हैं तो 10 ml। अच्छा, उस हिसाब से वजन के हिसाब से उसको पिलाया जाए। ये दवाई जो दिखाई, ये तो मुर्गियों को भी दिया जाता है अंडा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ सर, तो वो सही बात है। हाँ सही बात है, हम यूज किए हैं, हमारे पास मुर्गियाँ हैं जो नो। अच्छा हाँ, तो वो आप खिलाते हैं तो उसका अंडे का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बड़ा भी अंडा हो जाता है। अच्छा, और मुर्गियों को कोई बीमारी नहीं आती, अंडे का साइज भी बड़ा हो जाता है, बीमारी से भी रक्षा करता है, और अंडे का देने की जो संख्या वो बड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, और क्या है आपके पास दवाई में, और दर्शकों को क्या दिखाएंगे? जैसे मोनोसेप, जो बुखार आ गया बकरियों को, आराम नहीं हमको मिल रहा है, तो हम इसको सुई लगा देते हैं। अच्छा, इंजेक्शन है ये? इंजेक्शन। अच्छा, जैसे 2 ग्राम 3 ग्राम जैसे बकरियां हो ऐसे लगा देते हैं। अच्छा, इससे आराम मिल जाता है? आराम मिल जाता है, 3 दिन इसका कंटिन्यू कोर्स है, 3 दिन लगा देते हैं, ऑटोमेटिक जोन हो, सुबह शाम आराम हो जाता है। तबीयत खराब हुआ, बुखार हुआ, तो उसको ये 3 दिन लगा दिए तो बुखार से सही हो जाता है? सही हो जाता है। अच्छा, और क्या है? उसके लिए कालपाल भी होता है, 650 mg। तो कालपाल तो आदमी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इस जानवर भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वही सेम दवा। अगर बकरियों में टट्टी हो रही है, बंद नहीं हो रही है, तो हम नार फ्लाश टीजे, अच्छा, एक दवा आती है आदमी का जो है, 8 रुपए का टेबलेट आता है। अच्छा, उसमें हम बकरियों का आधा टेबलेट दे देते हैं, और उसके साथ एसी लाग उसको दे देते हैं, तो सुबह से शाम देने में बंद हो जाता है। अच्छा, हम ये दवा यूज करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू। ये तो आदमी वाली दवाई है? हाँ हाँ, लेकिन यूज करते हैं। अच्छा, ये जानवरों को देंगे फिर काम करेगा? काम करेगा, जो हम यूज करते हैं वही आदमियों वाला सब जो ना टोटल काम भी करता है। अच्छा, रिजल्ट आपके सामने है जो ना। हाँ, बकरियाँ तो आपकी काफ़ी तंदुरुस्त है, बढ़िया है। और कोई दवाई? हीलैंड। अच्छा, हीलैंड। हाँ। अच्छा, और कोई दवाई? ये दवा है थनैल का। थनेल का? हाँ, कैसा भी बकरी को हो, गर्म पानी में उसको धो दीजिए, या खाली उस पर स्प्रे मार दीजिए, सुबह से शाम तक बकरी जो एकदम आराम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तुरंत रिस्पांस। उसको गर्म पानी से थन को धुल देंगे और उस पर स्प्रे मार देंगे? स्प्रे मार दीजिए। बोलिए। बकरियों में खुरपका हो, मुंह पका हो, ये सबसे बेस्ट दवा, मात्र 20 रुपये का दवा देता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, ये सबसे बेस्ट दवा होती है, जो बकरियों में लगा दीजिए, खुर पका हो या मुंह पका हो, वो तुरंत आपको रिसीव कर देगा। एक खजली है या दांत नुमा है, सड़न पैदा हो रहा है उसको, उस पर रगड़ दीजिए खाली झूर। अच्छा, उकनी रंग का लाल दवा के नाम से जब जानते हैं, लेकिन उसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, सबसे बेस्ट दवा। ठीक है। अच्छा, ये दवा तो तब जरूरत पड़ेगी जब आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तब ना? अगर वैक्सीनेशन किए रहेंगे तब कहाँ से बीमारी होगी? नहीं आएगा, नहीं। तो वैक्सीनेशन करेंगे रहेंगे तो सही रहेगा? सही रहेगा। अच्छा, तो आप वैक्सीनेशन करते हैं? हाँ, करते हैं ना। अच्छा, कौन कौन सा वैक्सीनेशन करवाते हैं? PPR कराते हैं, DC करवाते हैं जो उन्हों। हाँ, दोनों करवाए हैं जो उन्हों। तो अभय जी, जो है आप एक बताइए कि स्टॉल फीडिंग और चराई में क्या अंतर होता है? सर, स्टॉल फीडिंग में होता है, बकरियां हमारी जो है ना, कोई घास फूस नहीं खाती है, ना कुछ करती हैं, एक बराबर उनका मौसम रहता है, चाहे कोई भी हो, वो बराबर जो है खाती पीती रहती हैं, कोई बुखार नहीं आता, ना उनको टट्टी पिशाब होता है, ना कुछ कोई बीमारियां जैसे आता नहीं। अगर कोई बाहर बकरी चरने जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई घास दूसरे प्रकार का खा लेती हैं, बकरी पोंखने लगती हैं, बुखार आ जाती हैं, तुरंत एकाएक मर जाती हैं बकरियाँ। अच्छा, इसमें नहीं मरती, मतलब जो अगर चराई कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बीमारी के चांसेस हैं? हाँ हाँ। और स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं तो नहीं चांसेस? नहीं है? नहीं, चांस कम नहीं, चांस है, बहुत कम, मतलब 99% नहीं है। हाँ, और उसे 100% आपको बीमारी आ जाएगी। ओ, ये अंतर है। हाँ। तो आपने जैसे ये देख रहा हूँ मैं बाड़ा वड़ा बनाया, तो 1.5 लाख से आपने स्टार्ट किया, तो सीधे आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया कि इससे पहले से भी शुरुआत? नहीं सर, मैं 23,000 से चालू किया था, पहले मड़ई था। अच्छा, उसी बकरी पालन किए थे हम जो नो, उससे जो नो बढ़ाए और करे, आज जो नो 2.5-3 लाख रुपया उसमें कमाए, उसके बाद तब बनवा दिए हम इससे। अच्छा, मतलब 23,000 में खाली आप बकरी हाँ, खरीदे थे। 5 बकरी लाए थे हम राजस्थान से लाए थे। हाँ, कौन सा ब्रीड था वो? वो जो नो सिरोही था। और सिरोही से आप स्टार्ट किया और सभी ब्रीड इस समय आपके पास है? पर्याप्त है।
सारा पर्याप्त है और मड़ई से स्टार्ट किए थे। हाँ, मड़ई से आज करीबन 30 बकरियां हो गई और 3-4 लाख रुपया, 2-3 लाख रुपया इस पर आप कमा भी लिए और कंस्ट्रक्शन कराने के बाद भी। हाँ। तो अभय जी, जो नए लोग हैं, जो नए युवा हैं या जो नए लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, ये बकरी पालन या मुर्गी पालन या ये सब चीज़, तो उनके लिए खासकर बकरी पालन के लिए आपका क्या सुझाव है, क्या अनुभव रहा है आपका, क्या सुझाव है? अनुभव यह है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें कमाई ज़्यादा है। अगर साल भरे में 2 बच्चा देती हैं, 6 महीने में 2 बच्चा दे देती हैं, तो आपका 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार एक बकरी पर ही जौन हो, अगर 5 बकरी रख लिए तो 1 लाख रुपया आप कहीं जाएगा नहीं, आप कमा के जौन आराम से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। हमारा यही सुझाव है। अच्छा, ये तो है कि बढ़िया बिजनेस है। हाँ। और उनको लिए नसीहत क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई से जौन, कभी भी बकरी लाने के पहले अभय पटेल से मिल लीजिए और हर चीज़ जौन हो उसके दवा के बारे में बता देंगे, रख रखाव के बारे में जब बता देंगे, आप 10 ठे नहीं 50 ठे लाइए बकरी, पहले जानकारी बहुत ज़रूरी है बकरी पालक के लिए, कम से कम उसके लिए कि दर दबा कैसे रखा जाता है कैसे नहीं बकरी को। इसलिए जौनो मैं ये कहूँगा बकरी पालक कोई भाई बंधु जिलाए तो पहले जानकारी ज़रूरी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, बकरी पालन का ट्रेनिंग भी आप कराते हैं? हाँ सर, कराते हैं। अच्छा, इसीलिए आपने कहा कि आपसे मिलने के लिए। हाँ। तो ट्रेनिंग कराते हैं तो आप यही बकरी पालन करते करते आप सीखे हैं ना? हाँ, हाँ। कोई कोर्स तो किए नहीं है? नहीं नहीं। तो जो बकरी पालन करते करते जो आपका अनुभव हुआ उसी बेसिस पे आप ट्रेनिंग कराते हाँ, हैं? हाँ कराते हैं। अच्छा, दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप बनारस में है, जौनपुर में है, मिर्ज़ापुर में, आजमगढ़ में है, अगल बगल ज़िले में, अगर आप किसी आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस और तजुर्बा चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए, तो यहाँ अभय पटेल जी के यहाँ, जो कि पिंडरा तहसील से 2 किलोमीटर असबालपुर गांव है, किसी से भी पूछ लीजिएगा इनका नाम, पहुँच सकते हैं, इनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपका सुझाव यही है कि पहले ट्रेनिंग ले के पहले जानकारी रख के फिर काम शुरू किया जाए। तो अभय जी, अपना बाड़ा हमें घुमाइए। हाँ चलिए सर, जो ये ओपन एरिया है। हाँ हाँ, ओपन एरिया है। ये जो है ये ओपन एरिया है। ये कवर्ड एरिया है। ये कौन सा ब्रीड है? ये तोता पारी है। तोता पारी का बकरा है? हाँ बकरा है। अच्छा। हाँ इसे क्रॉस कराते हैं बकरी। हाँ ब्रीडर है ये? हाँ ब्रीडर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बड़ा सा क्यों रख रखा है आपने? बच्चों के लिए जो ना सर, बच्चों को तोपने के लिए। मुर्गी पालन भी यहीं किए हैं आप? हाँ सर, यहीं मुर्गी पालन है। जरा तो देसी मुर्गी है आपका? हाँ। बहुत अच्छा। तो इसके अंडे जो आते हैं हाँ। वो ये बकरियों को दे दिया जाता हाँ, है, दे दिया जाता और साथ के साथ ये कीड़े मकोड़े या जो हाँ। कुछ चीजें होती है उसके बकरियों में सफाई करने सफाई का खाने का काम करते हैं। यहाँ भी रात को बकरी रखते हैं क्या? हाँ सर, रात में रखते हैं। अच्छा, यहाँ भी रात को रखाता है? हाँ। यहाँ भी रखाता है और ये भी है? हाँ। एक हिसाब से बरामदा हो गया ये। हाँ, हाँ। वहाँ रात को रखते हैं और इसके हिसाब से ये बरामदा हो गया। हाँ, तो बाहर भी निकाल देते हैं सब जनों। अब मुर्गी को जो है ये हाँ। ये जो बनाया है छोटे उसमें रख देते हाँ, हैं। हाँ। यहाँ अपना दिन भर रहते हैं। तो बांध के खूंटे में बांध के रखते हैं आप? हाँ, क्योंकि लड़ाई करती हैं बकरियां, कभी कभी अनजान बकरी आती हैं तो लड़ाई करती हैं। लड़ाई भी करती है और जगह भी जैसे कम हाँ, है हाँ। देख रहा हूँ आप गांव के बस्ती के बीच में बनाया तो भाग भी जाएंगे सब। हाँ इसीलिए, तो इसीलिए आप बांध के रखते हैं। तो बांध के रखने में तो ग्रोथ का फर्क तो पड़ता होगा ना? पड़ता है, बहुत पड़ता है। बांध के खुले में रखने में ग्रोथ का फर्क पड़ता है ना, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। लेकिन इस साल फीडिंग रहता है बढ़िया, तो जो नो बढ़िया ढंग से जो नो खिलाई पिलाई किया जाए, जो समय समय उनका देख रख भार कर दिया जाए हाँ। तो बकरियाँ अच्छी रहती हैं। अच्छा। आप देखते हैं हेल्थी बकरी है जो ना सब हाँ, हाँ, अच्छी हाँ, अच्छी बकरी जमुना पारी जो है, पारी सब सब बकरियाँ जो है बढ़िया बढ़िया ब्रीडर बढ़िया है। देखो सारा जो है ब्रीड दिखाई दे रहा है आपके यहाँ।
ये कौन सा ब्रीड है? कौन सा? ये सिरोही में है। अच्छा, तो इसका ये अलग से कैसा ये निकला हुआ है? ये लर्री है जो ये जो है ये देख रहा हूँ, लर्री आता है। अच्छा हाँ, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, ये अच्छी खूबसूरत लगती है। हाँ हाँ, बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभय पटेल जी आपका। सर नमस्कार। तो साथियों, अभी आप मिले अभय पटेल जी से। इन्होंने बहुत ही कम जगह में 30 बकरियां पाला हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव, अगर इनको कोई सुझाव आप देना चाहें, साथ ही आपको इनका काम कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए।